गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज गुड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट विल कम इन एग्जाम इन क्लास 10 नेशनलिज्म इंडिया. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सी नेशनलिज्म इंडिया में द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. तो आप सभी को इस क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ लेना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड आइडिया ऑफ सत्याग्रह. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट गांधी जी. अक्टूबर आ रहा है, गांधी जयंती आ रही है, सो कीप इन माइंड व्यूज ऑफ गांधी जी. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दीज आर द टू वेपन्स ऑफ गांधी जी. सी व्हेन डिड गांधी जी केम बैक इन इंडिया? इन जैन 1915 गांधी जी, महात्मा गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया. महात्मा गांधी जी 1915 को गांधी जी ये साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए. तो इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो ही स्टार्टेड सत्याग्रह. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द टू वेपन्स ऑफ गांधी जी. एज वी नो दैट he had come from south africa where he had successfully fought the racial regime with a novel method of mass agitation which he had called satyagraha. See, in class 9 in constitutional design we have learned the nelson mandela's lesson that how the black people are being discriminated by the white regime. As we know that what nelson mandela is a disciple of gandhi ji. Here gandhi ji started satyagraha movement. And also when he come back from South Africa, in India when he came back in 1915 Jan, he take a tour in India and he started Satyagraha. So first of all it is prior to learn what is the meaning of Satyagraha. सबसे पहले ये बेहद जरूरी है, idea of Satyagraha क्या है, Satyagraha का meaning क्या है और उसकी wide concept क्या है हमें पढ़ना है. So the idea of Satyagraha emphasizes the power of truth and the need to search for truth. सत्य ही सुंदर है, सत्य में विजय थे. सो आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंस देता है पावर ऑफ ट्रूथ पे और नीड्स टू सर्च फॉर ट्रूथ. वी शुड ऑलवेज टॉक ट्रूथ. सी इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज फॉर ट्रूथ, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर. दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ऑपरेसर, एक होता है ऑपरेस्ड. ये अगर आप जिस कॉज के लिए लड़ रहे हो, जिस कारण से लड़ रहे हो, वो अगर सच है, आपका स्ट्रगल इंडस्ट्रीज के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ है और आप फिजिकल फोर्स को अप्लाई नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर. ऑपरेसर के खिलाफ जो जुल्म कर रहा है ऑपरेसर, जुल्मी पर्सन, उस इंसान के खिलाफ आप लड़ रहे हो, तो डोंट अप्लाई फिजिकल फोर्स. फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. जस्ट वॉट यू हैव टू डू विदाउट सीकिंग वेगरेंस और बींग एग्रेसिव, एग्रेसिव नहीं बनते हुए वॉट यू हैव टू डू, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस. अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को अपनाते हुए आप सच्चाई के साथ यहां आपके बैटल को इंडस्ट्रीज अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हो. यू कैन विन द बैटल, आप इस बैटल को जीत सकते हो विद द यूज ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. यू शुड नॉट बी एग्रेसिव, आपको एग्रेसिव नहीं बनना है. व्हाट यू हैव टू डू, सी दिस कुड बी डन बाय द एप्लिंग टू द को साइंस ऑफ द ऑपरेसर. क्या करना है, जो जुल्मी पर्सन है उसके को साइंस को, मतलब उसके सशक्त विवेक बुद्धि को, उसको आपको जागृत करना है. What is good and what is bad, you should realize him, you should identify कि क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी उसे आपको एक तरह से acknowledgement करा देना है उसको. जब इस चीज का identification होगा कि जो इंसान oppressor जुल्मी person है जो कर रहा है that is too much bad, वो पूरी तरह से गलत है, बुरा है, और जो कर रहा है वो गलत है, जिस दिन उसको realize हो जाएगा वो इंसान जुल्मी पर्सन भी अच्छा बन सकता है. पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परस्यूड टू सी द ट्रूथ. उस ऑपरेसर पर्सन को आपको परस्यूड करना है, यू हैव टू डाइवर्ट हिज माइंड, आपको उसको कन्वर्ट करना है, उसके माइंड को सच देखने के लिए आपको परस्यूड करना है. एंड व्हेन ही कम टू नो, व्हेन ही रियलाइज द ट्रूथ, जब वो सच को जानेगा तब इंस्टेड ऑफ बींग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, उसको जबरदस्ती से फोर्सफुली अप्लाई मत करो कि आपको सच को अपनाना है. थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, हिंसा न करते हुए, आपको फिजिकल फोर्स को अप्लाई न करते हुए उसको ट्रूथ अपनाना नहीं कहना है. वॉट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू रियलाइज हिज को साइंस. बाय डूइंग दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज टू बी बॉर्न अल्टीमेटली ट्रायंफ. आखिर में सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं. आप आखिर में जानोगे कि सत्य की जीत होगी और यह जो ऑपरेसर है जब रियलाइज करेगा उसको
कि जो कोसाइंस अपनी कोसाइंस अपनी बुद्धि से जब अपनी अकल लगाएगा देन ही विल कम टू नो वॉट एवर ही इज डूइंग दैट इज बैड. जब उसको रियलाइज होगा तो बिना किसी वायलेंस के आप आपका बैटल जो इंडस्ट्रीज के खिलाफ है आप जीत सकते हो. असत्याग्रही कुड विन द बैटल विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस. हियर महात्मा गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द ऑल इंडियंस नेशनलिज्म इंडिया. इसी लेसन में आपको यही चीज गांधी जी बताते हैं कि कैसे हम देश के अंदर सारे लोगों को यूनाइटेड एकजुट कर सकते हैं. तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के सहारे हम देश के लोगों को जोड़ सकते हैं. सो हियर यूनाइटेड वी कैन स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल वी नो दैट. बट वॉट इज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स वी नो दैट डिवाइड एंड रूल इज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स हमें डिवाइड करके रूल करना चाहते थे और इसी चीज़ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने यहाँ यूनाइटेड करने के लिए लोगों में यूनिटी करने के लिए सत्याग्रह का एक मार्ग अपनाया था. सो गांधी जी वेंट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया. ही विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस. ही वॉज बींग कॉल्ड बाय द डिफरेंट पीपल. गांधी जी स्टार्ट ए नॉवल मेथड, एक नया मेथड दैट इज सत्याग्रह. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया. टूडे वी डिस्कस द टॉपिक दैट इज वॉट इज सत्याग्रह. एग्जाम में यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए जरूर आता है. वॉट इज सत्याग्रह. नाउ वी डिस्कस दिस टॉपिक बीइंग अहेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट टॉपिक अवर आइडिया ऑफ सत्याग्रह में आगे जो टॉपिक है. वेयर डिड गांधी जी वेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. हाउ डिड गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट. ही स्टार्टेड दिस लॉन्च द मूवमेंट डिफरेंट प्लेसेस एंड ही डू दिस वेरी सक्सेसफुली. इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी वेंट टू बिहार इन चंपारण्य. और गांधी जी ने व्हाई डिड महात्मा गांधी ट्रैवल टू चंपारण्य इन बिहार 1916. तो 1916 में गांधी जी 1916 में बिहार क्यों गए, वहाँ चंपारण्य इस गांव में क्यों गए थे, व्हाई ही वॉज बींग कॉल्ड, क्यों बुलाया गया था. नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. सो गांधी जी वॉज बींग कॉल्ड इन चंपारण इन बिहार. व्हाट हैपेंड सी इन चंपारण बिहार में क्या हुआ था. आफ्टर अरविंग इंडिया, जैसे इंडिया में गांधी जी आ गए, महात्मा गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस. अलग अलग जगह पे मूवमेंट स्टार्ट किया. 1960 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार एंड इंस्पायर्ड टू पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन बिहार. बिहार के लोग जो अपने खेत में इंडिगो का प्लांटेशन नहीं करना चाहते थे, वहां पे राइस कल्टीवेशन करना चाहते हैं. सी इन बिहार इन चंपारण वहां की जो खेती थी इंडिगो, वहां की जो खेती थी वो राइस की अच्छे से उपजाऊ फर्टाइल लैंड थी. इंस्टेड ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग राइस, वहां राइस न लेते हुए इंडिगो जो अब कपड़े के कलर का डाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली चंपारण्य के गांव के लोगों को फोर्सफुली इंसिस्ट किया था कि दैट दे शुड टेक द क्रॉप ऑफ इंडिगो इंस्टेड ऑफ राइस. सो हियर पीपल ऑफ चंपारण्य दे कॉल गांधी जी एंड दे वॉन्टेड दैट गांधी जी शुड स्टार्टेड हियर चंपारण्य मूवमेंट. सो गांधी जी वेंट इन चंपारण्य एंड ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण्य मूवमेंट. ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाया और हियर सक्सेसफुली गांधी जी इस मूवमेंट को चलाते हैं और ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता है. दिस इज द फोर्थ प्लेस. नाउ सेकेंड वन एग्जाम में चंपारण्य कहाँ है बिहार में, ये आपको मैप एक्टिविटी के लिए भी क्वेश्चन आता है. नाउ सी चंपारण्य स्ट्रगल. यू कैन रियलाइज सी पीपल डूइंग वर्क इन द फील्ड. यहाँ गांव में लोग खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ पे उन्हें राइस कल्टीवेशन करना था लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ब्रिटिशर्स फोर्स देम टू टेक द क्रॉप ऑफ इंडिगो. सो हियर वी विल कम टू, फ्रॉम दिस पिक्चर वी विल कम टू नो. नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वी कम टू नो Why did Gandhi ji travel to Kheda district of Gujarat in 1917? See, after Champaran in Bihar, Gandhi ji 1917 mein Kheda district jo Gujarat mein hai, wahan kyun jaate hai? Why did Gandhi ji went over there? Why did he travel over there? Why the people of Kheda district call Gandhi ji in Gujarat? गांव के लोग क्यों बुलाते हैं. व्हाट हैपन नाउ द आंसर इज दैट व्हेन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट्स जो किसान है गांव के ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. सी 1917 गांधी जी वेंट टू गुजरात. 1917 में गांधी जी गुजरात जाते हैं, वहाँ के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग, गुजरात के लोग जो है गांधी जी को बुलाते हैं. बाय सी अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेल्यूर इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. क्रॉप्स आर बींग फेल्ड. क्रॉप्स फेल हो गए थे, फसल खराब हो गई थी. वाई इट वॉज बींग फेल्ड. सी बिकॉज ऑफ द प्लेग एपिडेमिक
यहाँ देखो एक के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैन लग गया था, क्रॉप्स फेल हो गए थे, प्लेग जैसी बीमारी, ये प्लेग जैसी बीमारी जो चूहे के काटने से होती है, ये बीमारी फैल रही थी, प्लेग की बीमारी फैल रही थी, क्रॉप्स बीइंग फेल हो रहे थे, बार बार फसल बर्बाद हो रही थी, पीजेंट जो थे खेड़ा गुस्ती के लोग, दे आर नॉट एबल, कुड नॉट पे द रेवेन्यू ऑन टाइम एंड वेयर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स। क्या हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, क्या हुआ? गांधी जी को क्यों बुलाया गया? क्रॉप्स बार बार फेल हो रहे थे, किसान खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, गुजरात के लोग, यहाँ क्रॉप्स जो बार बार फेल हो रहे थे, जब किसान खेत में फसल नहीं ले पाएगा, हाउ ही विल पे द रेवेन्यू? जब फसल ही नहीं होगी तो रेवेन्यू कैसे पे कर पाएगा? व्हेन क्रॉप्स आर बीइंग फेल्ड, अ पीजेंट कैन नॉट पे दी इंक्रीजिंग टैक्सेस, बढ़ते हुए टैक्सेस को नहीं पे कर पाएगा। सो द पीजेंट्स वॉन्टेड दैट देयर शुड बी रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू। किसान चाहते थे कि रेवेन्यू में रिलैक्सेशन चाहिए था, और देर शुड बी अ दे गेट मोर टाइम टू पे दी रेवेन्यू एंड क्रॉप्स आर बीइंग फेड। और एपिडेमिक जो महामारी जो कहते हैं 100 साल में एक बार आती, प्लेग जैसी बीमारी, ये गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फैल गई थी, और किसान जो थे इससे काफ़ी अफेक्टेड हो गए थे। और एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन, पीपल ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट दे आर नॉट एबल टू पे दी रेवेन्यू। ये लोग खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, और दैट्स वाई दे वॉन्ट रिलैक्सेशन। वी नो दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनके साथ में थे, और उन्होंने उनको हेल्प किया था। सो इट वॉज नॉट मैंशन इन बुक, बट वी नो दैट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी गए, वहाँ पे मूवमेंट चलाया, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल वन। सो हियर वील कम टू नो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉप्स बींग आर फेल्ड एंड वन मोर थिंग दैट इज एपिडेमिक डिसीज दैट कॉजेज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फ्रॉम द पीपल, हियर वी विल कम टू नो द पिक्चर, फ्रॉम पिक्चर वी विल कम टू नो सी दैट हाउ द पीपल आर बींग अफेक्टेड। कैसे लोग अफेक्ट हो गया था, क्रॉप्स फेल हो गए थे, प्लेग की जैसी बीमारी फेल हो गई थी, और लोगों की डिमांड थी कि हमारे जो रेवेन्यूज है इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। और इसके बाद में गांधी जी नाउ थर्ड प्लेस, नाउ यू कैन सी दैट फेमस सत्याग्रह मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन चंपारण्य, नाउ देन अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, हियर थ्री प्लेसेस गांधी जी स्टार्टेड इज मूवमेंट एंड दिस वन द पिक्चर ऑफ दैट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गांधी जी वहाँ गए थे और मूवमेंट किया था। देन आगे हम बढ़ते हैं, सी इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट सी पीपल वेर गैदर्ड ओवर देयर एंड ही स्टार्टेड दिस मीटिंग अमॉन्ग द पीपल, विलेजेस वे आर बींग डिस्कसेस फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द रेवेन्यू। रेवेन्यू के रिलैक्सेशन के लिए गांधी जी और गांव के लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। सो पहले चंपारण्य इन बिहार, उसके बाद में गांधी जी गए कहाँ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में गए, देन लास्ट ही वेंट टू वेयर अहमदाबाद इन कॉटन फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स। वॉट हैपन विद द कॉटन मिल वर्कर्स, इन कॉटन मिल वर्कर्स के साथ में क्या हुआ था? सी अहमदाबाद जो मिल है, यहाँ के लोगों ने हड़ताल क्यों किया था? व्हाई डू दे डू सो, ऐसा उन्होंने क्यों किया? गांधी जी ने उनको हड़ताल करने के लिए क्यों कहा? नाउ विल डिस्कस। सी बिफोर दैट वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, गांधी जी हड़ताल क्यों गए। सी इन अहमदाबाद वर्कर्स ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स, ये जो कॉटन मिल वर्कर्स के लोग थे, इन व्हाट वॉज द डिमांड ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की एक ही डिमांड थी, देयर वेजेस, उनका रेम्यूनेशन इंक्रीज हो जाए। तो रेम्यूनेशन जब इंक्रीज, कॉटन मिल वर्कर्स रेम्यूनेशन जो उनकी मजदूरी थी वो दिहाड़ी जो थी बढ़ नहीं रही थी, तब कॉटन मिल वर्कर्स ने गांधी जी को अहमदाबाद में बुलाया, और हियर गांधी जी गिव देम वन मैसेज, डू स्ट्राइक, हड़ताल कर दो, कॉटन मिल वर्कर्स सही रास्ते पे आ जाएंगे। एंड गांधी जी मैसेज वॉज वेरी अ गुड वन, अ बिग ट्रूथ दैट पीपल डू द स्ट्राइक एंड गांधी जी दिस मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल। सो हियर वी कम टू नो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स एंड गांधी जी डू दिस मूवमेंट वेरी सक्सेसफुल। बट कीप इन माइंड दैट दिस टॉपिक ऑल्सो केम फॉर मैप एक्टिविटी। 5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन जो हिस्ट्री के मैप से आएगा वो है अमृतसर, शो अमृतसर कहाँ है, जालियांवाला बाग मास्केर हुआ था, चंपारण्य इन बिहार, हियर पीपल कॉल गांधी जी फॉर इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलाया था, अहमदाबाद इन अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स बीइंग कॉल्ड। सो हियर वी डिस्कस दिस टॉपिक, अर्लियर वी डिस्कस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नाउ वी डिस्कस हाउ द क्वेश्चंस केम इन एग्जाम।
हमने पहले पढ़ा आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है, अब हम उसको क्वेश्चन आंसर एग्जाम में कैसे आता है, नाउ विल डिस्कस दैट वन। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी की तौर से सत्याग्रह क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, नाउ विल डिस्कस। सो कीप इन माइंड दिस क्वेश्चन केम इन एग्जाम, दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हाफ ईयरली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्पिथाइजेस द पावर ऑफ ट्रूथ, आइडिया ऑफ सत्याग्रह पावर ऑफ ट्रूथ पे इंपॉर्टेंस देता है, एंड नीड फॉर द सर्च फॉर ट्रूथ, वी शुड फाइंड आउट द कॉज ऑफ ट्रूथ, सर्च क्या है और इसके रीजंस क्या है हमें फाइंड आउट करने होंगे। सेकंड, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आप जानते हो जिस इंडस्ट्रीज के खिलाफ आप लड़ रहे हो और उसका रीजन ट्रू है, उसका रीजन सच है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इंडस्ट्रीज, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो वो इंजस्टिस के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, और आप जो बैटल कर रहे हो वो अन्याय के खिलाफ है, और आपका कॉज जो है ट्रू है, देन नो नीड ऑफ फिजिकल फोर्स। सो फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, आपको ऑपरेसर के खिलाफ जो जुलूम कर रहा है उसके खिलाफ आपको फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू अप्लाई फिजिकल फोर्स। सो वॉट यू हैव टू डू, सी अकॉर्डिंग टू गांधी जी विदाउट सीकिंग द वेगनेस, बिना किसी एग्रेसिव बनते असत्याग्रही कुड विन द बैटल बाय थ्रू वॉट नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपनाते हुए हम उस बैटल को, एक सत्याग्रही बैटल को जीत सकता है। वी हैव टू यूज, we have to apply the idea of satyagraha, idea of satyagraha ko apnana hai aur you will win that battle. So this is the first question, what is the idea of satyagraha, earlier we discussed in ppd. Now next question, explain how did first world war help the growth of nationalism movement in India. First world war kaise hua, we know that first world started in 1914 to 1918, aur iska growth kaise hua India mein, movements kaise hua, now we'll discuss. What happened in between 1914 to 1918? 1914 से लेके 18 के बीच में क्या हुआ? Now we'll discuss. See, the war created a new economic and political situation. War की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? The huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans. We know that Allies and Axis, these are the two group. We are fighting the war against the Axis. We are helping Britishers don't have enough sufficient money, so that's why they were fighting the war by taking loan, so they want more money, so that's why they started two different taxes, that is loan fulfillment karne ke liye do taxes start ki, that is custom duties were raised, and not only this, new tax was introduced, income tax was also introduced. See, Britishers started two different taxes, first in income tax, that is custom duties and income tax. Custom duties क्या होता है? Custom duties जो भी आप import export कर रहे हो उस पर heavy taxes लगा दिए, second जो भी आपका income है उस पर tax लगा दिया, so Britishers introduced taxes. Then prices increase, जो भी essential goods थी उनकी prices double हो गई 1913 और 18 के बीच में. This hit the common people. See, economical condition काफ़ी ख़राब हो गई. कैसे? 19 और 13 के बीच में यहाँ पे जो essential goods थी इनकी prices बढ़ चुकी थी. इसके वजह से common people काफ़ी वे survive नहीं कर पा रहे थे. Villages were being told, soldiers were being told to join the army. गांव के लोगों को कहा, they should join the army free of cost. गांव के लोगों को कहा, army join करना है, but free of cost. Second thing, this angry the people, लोग गुस्सा हो गए. See, 18 और 19 के बीच में क्या हुआ, क्रॉप्स आर बींग फेल, क्रॉप्स फेल हो गए, और उसके वजह से इट क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड शॉर्टेज हो गया, गांव में क्रॉप्स फेल हो गए, और स्प्रेड जैसी ये स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक डेथ 12 to 13 मिलियन पीपल वेयर डाइड. सी, प्लेग जैसी बीमारी, एपिडेमिक बीमारी कहते हैं, 100 साल में एक बार आती है, ये महामारी फैली और एज अ रिजल्ट 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. And this is the economical, लोगों को prices बढ़ चुके थे, income tax, custom duties, economical problem create हो गया, लोगों को army में join होना पड़ा, political situation काफ़ी create हो गई, and at last that is society was totally disturbed because of the plague, and that is crops are being failed. Social, economical and political situation became devastated, and this problem created between 1914 to 18. Now next question, why did Gandhi started
नेशनल वर्ल्ड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रोल एक्ट एक्ट 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट करते हुए रोल एक्ट एक्ट के खिलाफ 1919 में यहां सत्याग्रह क्यों किया था. सी रोल एक्ट इज ऑफिसर, रोल एक्ट एक ऑफिसर था, उसके नाम से रोल एक्ट एक्ट बना था. और इस रोल एक्ट एक्ट में क्या हुआ था, देर वॉज नॉट अ इंडियन मेंबर. जहां भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी देर वॉज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर. सो दैट्स वाई पीपल रेज देयर वॉइस. एंड रोल एक्ट में क्या था कि विदाउट गिविंग बीइंग अ ट्रायल, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के किसी भी इंडियन लीडर को, नेशनलिस्ट लीडर को उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था. ये काफी बैड सिचुएशन था. सी वी विल रीड लाइन टू लाइन. सी सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट द प्रपोज रोल एक्ट 1919 अप्रैल 99 में कानून पास हो गया रोल एक्ट. द रोल एक्ट वॉज हरीली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. और इस एक्ट को 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया. इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी. वॉट एवर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज दैट स्टार्टेड इन इंडिया, जो भी नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी, इनको रिप्रेस करने के लिए इनको बंद करने के लिए यहाँ पावर इस एक्ट को दी गई. इस कानून के तहत पुलिस को ज़्यादा पावर मिली. इट अलाउडेड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स. किसी भी ट्रायल न लेते हुए यहाँ पे हमारे इंडियन प्रिजनर, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स को प्रिजनर बना के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया और बिना किसी कोर्ट ट्रायल के. सो दे गॉट इनॉर्मस पावर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोल एक्ट. एक्शन को रिएक्शन होता है. कीप इन माइंड जब ये एक्शन हुआ तो गांधी जी ने क्या किया. सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय सत्याग्रह मूवमेंट. महात्मा गांधी जी वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट अगेंस्ट दिस इनजस्ट लॉ. सी इनजस्ट लॉ, गांधी जी ने कहा कि ये इनजस्टिस लॉ है, अन्यायकारक लॉ है, इसके खिलाफ सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट करना पड़ेगा. सिविल गवर्नमेंट डिसऑबिडेंट नॉट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट. वी शुड नॉट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे हमें सरकार के कानून के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठानी पड़ेगी. और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को क्या किया, फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड बाय विद द हड़ताल. ऑन 6 अप्रैल गांधी जी स्टार्ट कर दे, हड़ताल स्टार्ट कर दी. रैलीज वेयर बींग ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, शहर में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, हिंदुस्तान में रैलीज निकाली गई. वर्कर्स वेयर बींग ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप. रेलवे वर्कशॉप में जो भी काम कर रहे थे सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक करवा दिया, हड़ताल करवा दी. एंड शॉप्स आर बींग क्लोज, दुकानें बंद करवा दी थी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रोल एक्ट. कीप इन माइंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जलियांवाला बाग मास्केयर, किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. सी व्हाट हैपन इन अमृतसर. अमृतसर में क्या हुआ था, डिस्क्राइब द जलियांवाला बाग मास्केयर एंड आफ्टर मार्च. उसके बाद क्या हुआ था, विच बेसिक ह्यूमन राइट्स आर बींग वॉलेटेड बाय द ब्रिटिशर्स. एंड ब्रिटिशर्स ने, जनरल डायर ने पर्टिकुलरली यहाँ ह्यूमन राइट्स को कैसे पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया था, नाश कर दिया था. सी वी आर, मैन इज बॉर्न टू फ्री, इंसान जन्म से आजाद होता है. लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में क्या होता. सी इंसिडेंट द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग छोटा सा गार्डन है अमृतसर के अंदर. 13 अप्रैल को यहाँ पे अ लार्ज क्राउड वॉज बींग गैदर्ड इन जलियांवाला बाग. एक बहुत सारा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा क्राउड वहाँ पे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ था. अ मीटिंग वॉज बींग गोइंग ऑन, एक मीटिंग चल रहा था. उसके अंदर सम ऑफ देम हैड कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स. सी पीपल कम to raise their voice against the government's new repressive measures. जैसे रोल एक्ट एक्ट है, इस जैसे कानून के खिलाफ, गवर्नमेंट के नए कानून के खिलाफ, ये जो जुल्मी और जो ऑपरेशन सिस्टम था इसके खिलाफ लोग आवाज उठाने आए थे. और others had to attend the बैसाखी फेयर. बैसाखी का मेला लगा था, लोग फ्रॉम villages पीपल मार्च टू दी सिटीज, अर्बन एरियाज में लोग गांव से शहर आ रहे थे. बैसाखी का मेला लगा था अमृतसर के अंदर, लोग गांव से शहर आ रहे थे. बट पीपल डोंट नो अबाउट द मार्शल लॉ. मार्शल लॉ लगा था, जैसे लॉकडाउन के समय हमें घर के बाहर नहीं निकलना होता था, वैसी तरह उसी तरह से यहाँ भी बैसाखी का मेला लगा था. मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, लोगों को गाँव से बाहर नहीं जाना था. बट पीपल डोंट नो अबाउट दिस लॉ एंड पीपल केम इन सिटीज फॉर अटेंडिंग द बैसाखी फेयर. जनरल डायर एंटर द एरिया. सी इन दैट गार्डन, जलियांवाला बाग में यहाँ जनरल डायर एंटर करते हैं
देयर वॉज अ वेरी नैरो एंट्रेंस गेट, वहाँ पे एक छोटा सा गेट होता है, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट जो छोटा नैरो एंट्रेंस गेट है, दे ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड. ही गेव ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स टू डू ओपन फायर ऑन द इनोसेंट पीपल. जहाँ पे ये जो क्राउड था, यहाँ पे जो लोग बैठे थे, जो प्रोटेस्ट करने आए थे, जो आवाज़ उठाने आए थे अपनी हक के लिए रिप्रेसिव मेथड्स के खिलाफ, वहाँ इन इनोसेंट लोगों पे, जो चिल्ड्रन, वुमन, ओल्ड पर्सन्स, इन पे, इनोसेंट लोगों पे गोलियां चलाई गई, ओपन फायर किया गया एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेयर बीइंग इन टेरर. लोग भागे दौड़े, कहते हैं वहाँ एक कुआं था, जिस कुएं में जब पानी निकाला गया तो पानी नहीं निकला था, उस कुएं में से खून निकला था. सी पीपल रन हियर एंड देयर एंड ओपन फायर वॉज डन ऑन द इनोसेंट पीपल. हजारों लोग मारे गए. एज अ न्यूज स्प्रेड, व्हेन दिस न्यूज स्प्रेड अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, क्राउड टूक द स्ट्रीट, पीपल केम ऑन स्ट्रीट. नॉर्दर्न इंडिया में लोग रास्ते पे आए टाउन्स के अंदर एंड स्ट्राइक करवा दे, क्लैशेस हुए लोगों के और पुलिस के साथ में. दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केम इन एग्जाम, कीप इन माइंड, रट लो, बार बार पढ़ो इसको. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर आता है. देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें क्या हुआ, अटैक्स हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग पे, लोगों ने अटैक किया, गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन भी किया था. सो जनरल डायर लोगों के मन में डर पैदा करना चाहता था. दिस वॉज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. सो आगे हम पढ़ते हैं. सो एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी. वॉट डिड फ्रीडम मीन टू दैम. सो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि यहाँ पे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया गया था तो इसमें क्या हुआ था, प्लांटेशन वर्कर्स जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, यहाँ पे एक कानून बनाया गया था प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम. यहाँ पे क्या था, इमिग्रेशन एक्ट 1859 में बनाया गया था. प्लांटेशन वर्कर्स को जहाँ पे प्लांटेशन प्लेस है वहाँ से जाना नहीं है. दे हैड नॉट गिवन परमिशन टू लीव द टी गार्डन विदाउट एनी परमिशन. तो टी प्लांटेशन की जगह से वर्कर्स को अपनी जगह से नहीं जाना है, ऐसा उनको अलाउ नहीं किया गया था. बट क्या हुआ, जब लोगों ने, व्हेन द पीपल हर्ड अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने क्या किया, व्हाट डिड दिस पीपल डू, इन लोगों ने क्या किया, दे लेफ्ट द प्लांटेशन गार्डन, दे डायरेक्टली वेंट हेडेड ओवर टू देयर होम. नॉन कॉपरेशन खिलाफ मूवमेंट जब चल रहा था, लोगों को लगा कि मूवमेंट चल रहा है, स्वराज गांधी राज आ गया है, लोगों को अपने गांव में खेती बाड़ी मिलेगी, लोग प्लांटेशन वर्कर्स को छोड़ के, प्लेस को छोड़ के वहां से निकल गए. सी दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज किंग कमिंग एंड एवरीवन वुड गेट गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज. लोगों को लगा गांधी राज आ रहा है. पीपल टुक द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज का मतलब लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया, और यहाँ पे लोगों को लगा कि गांधी राज आ रहा है, सभी लोगों को गांव में जमीन मिलेगी, सो बैक टू विलेज, चलिए गांव चलते हैं. बट व्हाट हैपन व्हेन, हाउ वेयर नेवर रीच टू देयर डेस्टिनेशन, पीपल डिड नॉट रीच टू विलेज. प्लांटेशन वर्कर्स जो गाँव वहाँ से भागे थे, प्लांटेशन वर्कर्स प्लेस से, तो वो रास्ते में पकड़े गए, स्टार्टेड ऑन दिस वे रैलीज, रेलवे स्टेशन में वहाँ पकड़े गए, स्टीम वर्कर्स का स्ट्राइक चल रहा था, वहाँ पे उनको पकड़ा गया एंड देर वर बीइंग कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप. पीपल वेयर व्हेन दे रैन अवे देर बीइंग स्ट्रैंडेड बाय द ऑन द वे रेलवे एंड स्टीम वर्कर्स, जो स्ट्राइक चल रहा था वहाँ पे पुलिस लोग इन गाँव के लोगों को पकड़ते हैं, इन वर्कर्स को, प्लांटेशन वर्कर्स को पकड़ते हैं एंड देर बीटन अप, उनको बहुत काफ़ी मारा जाता है. और फॉर देम फ्रीडम मीन राइट मूव फ्रॉम फ्रीली इन एंड आउट फॉर द कन्फाइंड स्पेस. कन्फाइंड स्पेस उनका प्लांटेशन वर्कर्स का प्लेस, ये कन्फाइंड प्लेस था, वहाँ से उनको निकाल के वो भागना चाहते थे, बट दे आर बीइंग पनिश्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. वन मोर क्वेश्चन इज दैट साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक एट द अराइवल इन इंडिया. जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए. व्हाई इट हैपन इन इंडिया, ऐसा क्यों हुआ. सी साइमन कमीशन, साइमन एक जनरल का नाम है. साइमन कमीशन न्यू ट्राई गवर्नमेंट ब्रिटेन का जो साइमन कमीशन था, यहाँ पे स्ट्रैटेजी कमीशन बनाया गया था. सर जॉन साइमन इनके नाम पे एक कमीशन बनाया गया था. इट वॉज सेट अप रिस्पॉन्स द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ साइमन कमीशन बनाया गया था. और इस कमीशन का फंक्शन क्या था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कमीशन. इट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द
अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अमेंडमेंट्स करने के लिए, बदलाव करने के लिए ये सिस्टम लाया गया था. सर जॉन साइमन, इन्होंने ये साइमन कमीशन लाया था. और इसमें एक ही प्रॉब्लम था. व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? एट दे वांटेड टू डू अमेंडमेंट्स, दे वांटेड टू रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वांटेड टू डू सजेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट वन प्रॉब्लम इज दैट देर वॉज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर. सी वन प्रॉब्लम इज दैट द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर. इंडिया का सिंगल इंडियन मेंबर भी इस साइमन कमीशन में नहीं था. दैट्स वाई इंडियन पीपल रेज देयर वॉइस. जब साइमन कमीशन इंडिया में अराइव्ड हुआ इन 1928 में, जब साइमन कमीशन आया, इट वॉज ग्रीटेड, पीपल वेलकम द साइमन कमीशन विद द स्लोगन दैट इज गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, ये नारे लगाए गए. सो ऑल द पार्टीज ऑफ डिफरेंट पार्टीज, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ऑल दे यूनाइटेड एंड पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. दे डू द डेमोन्स्ट्रेशन, मूवमेंट किया और नारे लगाए गो बैक साइमन, साइमन गो बैक. वी नो दैट लाला लाजपत राय लाठी चार्ज हुआ था, लगा था उनको, उसके बाद में ही वॉज डाइड लाला लाजपत राय. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक दैट इज दांडी मार्च. वी नो दैट साबरमती का संत जिन्होंने ये आज़ादी हमको दिलाई, दांडी मार्च फ्रॉम द साबरमती, दांडी मार्च, यहाँ सॉल्ट मार्च. सॉल्ट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. नमक हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सॉल्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था. सी महात्मा गांधी जी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, ऑन 11th मार्च 1930 अकम्पनाइड बाय 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. दांडी मार्च, एक शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दांडी मार्च. क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1930 में 11th मार्च को अपने 78 जो ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स थे, विश्वासु जो लोग थे, उनको लेके गांधी जी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं. एंड द मार्च वॉज कवर्ड बाय 240 माइल्स गांधी जी कवर करते हैं साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन दैट इज दांडी. ये जो दांडी, ये जो प्लेस है, वहाँ पे जाते हैं. ऑन 6 अप्रैल 1930 ही रीच देयर एंड सेरेमनी वायलेटेड द लॉ. सी व्हाई डिड गांधी जी डू दांडी मार्च, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में. सो जो भी लॉर्ड आयरविन है, उनको गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी. 11 डिमांड्स में कहा था कि ये जो डिमांड्स है डिफरेंट पीपल की, ये डिमांड्स को फुलफिल करो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट सॉल्ट मार्च. गांधी जी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं, पर डे 10 माइल्स चलते हैं, 240 माइल्स वो कवर करते हैं. और हर जगह पे जहाँ पे गांधी जी रुकते हैं वहाँ लोगों को स्वराज का मतलब बताते हैं. और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे इस इंजस्टिस सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं. ही मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट एंड बॉइलिंग द सी वाटर, सी वाटर को बॉइल करते हुए गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं. एंड दिस वॉज स्टार्टर ऑफ सिविल डिसऑबेडिएंस मूवमेंट, नॉट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट. सॉल्ट पे टैक्स लगाना ही हमारा हक है, ये ब्रिटिशर्स का लॉ था. बट गांधी जी टोल्ड दैट सिविल गवर्नमेंट डिसऑबेडियंस, नॉट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी. So this is very important questions, and I hope all questions you will learn by heart, and it is very important for half yearly exams and learn for board exams also. Thank you everyone. Today we discussed this topic, what is Satyagraha and how did Gandhiji launch 3 different places Satyagraha movement very successfully, and it was very successful one. Thank you.